नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वोवरान एसआर टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, वोवरान एसआर टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और वोवरान एसआर टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि वोवरान एसआर टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में वोवरान एसआर टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। वोवरान एसआर टैबलेट का उपयोग दर्द और सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। यदि आपके शरीर पर कोई चोट लगने की वजह से सूजन आ गई है तो वोवरान एसआर टैबलेट दर्द के साथ साथ सूजन को भी कम करती है। वोवरान एसआर टैबलेट का उपयोग सिर दर्द होने पर, मांसपेशियों में दर्द होने पर, जोड़ों में दर्द होने पर, दांतों में दर्द होने पर, कमर के दर्द, कान के दर्द और गले के दर्द आदि कंडीशंस में वोवरान एसआर टैबलेट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा रूमेटोइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस में दर्द और जोड़ों की सूजन को कम करने के लिए भी वोवरान एसआर टैबलेट का उपयोग किया जाता है। वोवरान एसआर टैबलेट 75 mg, 100 mg व 150 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि वोवरान एसआर टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वोवरान एसआर टैबलेट के सामान्य साइड इफेक्ट्स में बदहजमी, पेट में दर्द, पेट में जलन, कब्ज, उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, दस्त और लिवर एंजाइम बढ़ सकते हैं। ज्यादा लंबे समय तक वोवरान एसआर टैबलेट को लेने से किडनी व लिवर डैमेज हो सकते हैं और शरीर में खून की कमी हो सकती है। इसके अलावा लंबे समय तक या ज्यादा खुराक में वोवरान एसआर टैबलेट को लेने से पेट में ब्लीडिंग, पेट में अल्सर या गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकती है। गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल परफोरेशन होने पर पेट या आंतों के अंदर छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं और लंबे समय तक वोवरान एसआर टैबलेट का सेवन करने से दिल का दौरा और लकवा लगने का रिस्क भी अधिक हो जाता है। अगर आप वोवरान एसआर टैबलेट का सेवन कभी कभार करते हैं तो ऐसे में ज्यादातर व्यक्तियों में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। अगर आप वोवरान एसआर टैबलेट को दिन में कई बार या ज्यादा लंबे समय तक लेते हैं तो ऐसी स्थिति में वोवरान एसआर टैबलेट की वजह से साइड इफेक्ट्स होने का रिस्क भी अधिक हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि वोवरान एसआर टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। वोवरान एसआर टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना रिकमेंडेड होता है। आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर शुरुआत में वोवरान एसआर 75 mg या 100 mg टैबलेट को दिन में एक बार लेने की सलाह देते हैं, लेकिन बाद में जरूरत पड़ने पर डॉक्टर वोवरान एसआर टैबलेट की डोज को बढ़ा भी सकते हैं। कुछ व्यक्तियों को डॉक्टर केवल दर्द होने पर ही वोवरान एसआर टैबलेट को लेने की सलाह देते हैं। वोवरान एसआर टैबलेट की खुराक, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए वोवरान एसआर टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना वोवरान एसआर टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि वोवरान एसआर टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में वोवरान एसआर टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। पेट में अल्सर होने पर, पेट या आंतों में ब्लीडिंग की समस्या होने पर, किडनी, लिवर या दिल से संबंधित कोई गंभीर बीमारी होने पर वोवरान एसआर टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है, इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना वोवरान एसआर टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं वोवरान एसआर टैबलेट को ले सकती है या नहीं। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए वोवरान एसआर टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को वोवरान एसआर टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका वोवरान एसआर टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।